दिवाली पर कैसे करें मंत्र तंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, पंडित जी ये भी समझाइए। अर्पिता, दीपावली पर बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र के प्रयोग करते हैं, अपने सुख के लिए नहीं करते, दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं या पुरुष भी हैं, यानी उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर हो जाता है। इसको परमानेंटली कैसे काटेंगे, कैसे हटाएंगे? देखिए, दीपावली की रात को अपने पूजा स्थान पर एक बड़ा सा शुद्ध सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। एक शुद्ध सरसों के तेल का बड़ा सा दीपक आप दीपावली पर पूजा स्थान पर जलाइए। इसके ऊपर एक और दीपक तिरछा करके रख दीजिए ताकि जो दीपक है वो जलता रहे। रात भर दीपक को जलने दीजिएगा। इसके अंदर काले रंग का काजल जम जाएगा। इस काजल को सुरक्षित रख लें। महानिशा की रात को बना हुआ काजल है ये। नियमित रूप से इस काजल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप हर तरह के तंत्र मंत्र से और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहेंगे। बच्चों के सर के किनारे लगा दिया या पुरुष महिला अपने कान के पीछे जरा सा ये काजल लगाते रहेंगे तो उनके ऊपर किसी भी तरह के तंत्र मंत्र का, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होगा। ये जो काजल है आप ज़्यादा भी बना सकते हैं और इसको अगले एक साल तक सुरक्षित रख सकते हैं। एक साल तक ये बिल्कुल ठीक काम करता है और आप चाहें तो कहीं भी आपको लगे कि वहाँ जाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी या वहाँ के लोग बड़े निगेटिव हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तो ज़रा सा ये काजल अपने कान के पीछे लगा करके जाइएगा। आप किसी भी तरह के निगेटिव एनर्जी से, नजर दोष से और तंत्र मंत्र से बचे रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।